नमस्कार। हरियाणा की बात का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम T20 की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। बीते रोज इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने खिताब पर कब्जा कर लिया और भारतीय बेटियों का दम दुनिया ने देखा। इस टीम की कप्तान शेफाली वर्मा को खासतौर पर शाबाशी मिल रही है और शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं। रोहतक में शेफाली वर्मा के घर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचकर शेफाली के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने परिवार को बधाई दी और शेफाली समेत भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के रोहतक की बेटी शेफाली और पूरी क्रिकेट टीम पर देश को गर्व है और सभी बेटियों के परिवारों को वो बधाई देते हैं। सीएम ने कहा कि इनका परिवार रोहतक शहर में रहता है और शेफाली के आगे होने वाले सीनियर वुमेन वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए जीत की वो कामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसके अलावा टीम की सदस्य सोनिया भी रोहतक की ही रहने वाली हैं और उनको भी वो परिवार सहित बधाई देते हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी शेफाली वर्मा अंडर 19 कैप्टन यानी क्रिकेट में जो मैच जीता है उसकी वो कैप्टन है, यही रोहतक की रहने वाली हैं। और मेरी तो खुशी की बात यह है कि वो रोहतक को अब रहती हैं। वास्तव में परिवार तो बनियानी गांव का रहने वाला है और इसलिए एक बहुत खुशी की बात है। उस बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ इसी प्रकार से अपने कोशिश करके और वो आगे बढ़े और अभी अंडर 19 है, अगले सीनियर टीम में भी वो अच्छी अपने परफॉर्मेंस दिखाए ताकि देश। इस वर्ल्ड कप को जीतकर भारतीय टीम अब वर्ल्ड चैंपियन बन गई है और हरियाणा के लिए ये खास तौर से गर्व की बात है। रोहतक से भारतीय महिला जूनियर क्रिकेट टीम में 2 महिला खिलाड़ी खेल रही थी। कैप्टन शेफाली वर्मा रोहतक शहर से और दूसरी बैट्समैन सोनिया गांव मकडौली जिला रोहतक की रहने वाली हैं। दोनों महिला खिलाड़ियों का फाइनल मैच देखने के लिए दोनों के परिजन झज्जर रोड पर श्रीराम क्रिकेट अकेडमी पहुंचे थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी परिजन और कोच समेत अन्य खिलाड़ी भी झूम उठे और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। शेफाली ने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेली है। अंडर 19 कप भारत ने 19 साल की उम्र में शेफाली वर्मा की कप्तानी में जीता है और शेफाली का जन्मदिन भी कल था। ऐसे में अपने जन्मदिन पर शेफाली ने पूरे देश को जीत का तोहफा दिया है। बहुत खुशी हो रही है और मैं सारा श्रेय ये है जी श्री राम नारायण क्रिकेट अकेडमी, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, बाबू जी हमारे श्री रणवीर महेंद्रा जी, अनिरुद्ध सर हैं, अश्वनी सर हैं, अनिश सर हैं और इनके अंडर में जितने भी कोचिस हैं वो उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है शेफाली को। हमने भी कराई थी, छोटी थी, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ करवाई है उसके पास। बहुत खुशी हो रही है जी, पूरे सभी को आप देख सकते हैं बहुत खुश है सारे के सारे। और जो चीज़ हमारे को एक वर्ल्ड कप का इंतजार था, फाइनली एक वुमेन्स अंडर 19 के उसमें ख़त्म हुआ है और हमारे को अब एक ट्रॉफी का और इंतजार है, एक वर्ल्ड कप का और इंतजार है जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है सीनियर्स में। हरियाणा के सोनीपत के गुहाना में अमित शाह की रैली हुई है। हालांकि अमित शाह खुद इस रैली में नहीं पहुंच पाए, लेकिन मोबाइल फोन के जरिए उन्होंने वहां मौजूद जनसभा को संबोधित किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस रैली में पहुंचे और उनके साथ साथ ओपी धनखड़ और हरियाणा के तमाम नेता भी इस रैली का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली के दौरान जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इस दौरान हमला बोला और पिछली सरकार को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में पर्ची और खर्ची का खेल चलता था, लेकिन इस सरकार ने पूरे काम में पारदर्शिता लाने का काम किया है और इसमें सरकार कामयाब रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में भी सरकार प्रदेश का चौतरफा विकास करेगी। सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां, सीएलयू, हमने वो सब बंद कर दिया। और ऐसे कैसे लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। और इस रैली के दौरान मोबाइल फोन के जरिए अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि वो रैली में ना पहुंच पाने के लिए माफी चाहते हैं और साथ ही उन्होंने हरियाणा की जनता से अपील की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को अपना समर्थन दे और विकास में भागीदार बने। आज इस रैली में मैं बड़े मन से आप लोगों को मिलने आना चाहता था,
परंतु खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उठाने की परमिशन नहीं है। मैं गाड़ी से आने के लिए भी निकला, मगर 2 घंटे तक वहां पर भी मौसम गीला है, बारिश होने की संभावना है। तो मनोहर जी का निवेदन था कि मैं टेलीफोन पर ही आपसे बात करूं। मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है, उसका मकसद है 2024 में चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने उन जैसे जरूरतमंदों के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उतना उनके बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लाभार्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाकर गरीबों और वंचितों को स्वावलंबी बनाकर जीवन जीने का अधिकार दिया है। मनोहर लाल ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों के उत्थान के लिए ही सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है। इसके तहत लगभग 30,000 परिवारों को मदद पहुंचाई गई है और इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा उठाया गया है। सरकार का प्रयास है कि अंत्योदय परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो, ताकि वो अपना स्वयं का काम शुरू करने में सक्षम बन सके। इसके लिए उन्हें ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। स्कीम के शुरू होने से लेकर 27 जनवरी 2023 तक 22,035 लोगों को ऋण दिए गए हैं। इसके साथ ही 1,849 लाभ पात्रों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। संबोधित करते हुए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछला एक महीने से एक कार्यक्रम शुरू किया है, हर शनिवार को 5:00 प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से मैं सीधी बात करता हूं और हमारे साथियों ने इसका नाम रखा है सीएम संवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार हर शनिवार 5:00 प्रदेश के किसी न किसी एक वर्ग से या तो सीधी बात की जाए अथवा डायरेक्ट एक जनता के नाम संदेश टीवी रेडियो के साथ भी जुड़ करके कभी कभी कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने सोनीपत दौरे के दौरान बच्चों से मिलने बाल ग्राम राई भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री को अपने बीच अचानक देख बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि बाल ग्राम राई आपके साथ साथ मेरा भी घर है और इसलिए मैं अपने घर के बच्चों से मिलने उनके बीच पहुंचा हूं। मुख्यमंत्री ने बाल ग्राम में बच्चों को मिठाइयां भी बांटी। मुख्यमंत्री ने बालग्राम राई में बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बालग्राम के बच्चों की जो भी मांगे होंगी उन्हें तुरंत पूरा किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने हाउस मदर से भी बातचीत करते हुए बच्चों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए हरिहर योजना शुरू की है, जिसके तहत बाल गृह में आने वाले ऐसे सभी बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी और 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्सग्रेशिया पॉलिसी में कवर करेगी और ग्रुप सी या ग्रुप डी की नौकरी देगी। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह के एग्जाम भी नहीं देने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसे युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो वो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरी के भी हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें लिखित परीक्षा पास करनी होगी। ऐसे सभी युवाओं को सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की कैटेगरी में रखेगी और नौकरियों में 10% आरक्षण की भी व्यवस्था दी जाएगी।